एक्चुअली मेरे पास ना आज बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप मुझे फ्री में दे सकते हो कुछ भी? नहीं, मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। गाइस बिल्कुल टाइटैनिक वाला फील आ रहा है मुझे, एंड यहाँ पे हमें फ्री का फूड तो मिल ही जाएगा, आई होप। चलो दे सकते हो फ्री में कुछ? मैं भी आपको राखी बांधना चाहूंगी, आप बस मुझे 5 रुपया दे दो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। हेलो हर्ट्स, तो कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो इतना मजेदार, मसालेदार और धमाकेदार होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं नहीं मानता यार, कुछ दिन पहले जब मैंने 50 रुपीज में 24 आवर्स बिताया था, इतना प्रॉब्लम हुआ था कि पूछो ही मत। बट आज मैं क्या करने वाली हूँ 0 रुपीज में 24 आवर्स, जो कि सोच भी नहीं सकती हूँ मैं। तो चलो गाइस लेते हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट वाला चैलेंज। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कामयाब हो जाऊं। और एक चीज बताऊं गाइस, आज राखी का दिन है, हैप्पी रक्षाबंधन। तो मैं राखी को और इन चीजों को तो बहुत ही ज्यादा यूज करूंगी। ये क्या है देखने के लिए पूरा वीडियो देखो, जरूर बताऊंगी। और हाँ गाइस, मैं इतना मुश्किल वाला चैलेंज कर रही हूँ स्पेशली 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 मेरे प्यारे प्यारे नीलहर्ट्स के लिए, तो एक लाइक तो आप मुझे दे ही सकते हो यार, बिल्कुल मुफ्त 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 है। तो टारगेट रखते हैं 100K लाइक्स की, कर देना, लव यू। So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट फेस मास्क रेंज, और इनके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज है और क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। गाइज ये मास्क 15x मॉइस्चराइजेशन देता है, इसके अंदर 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स है, साथ ही में बायोडिग्रेडेबल है एंड अल्कोहल एंड पैराबेन फ्री है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। गाइज इसके 5 वेरिएंट्स है, सबसे पहला है विटामिन B3 प्लस कोकोनट वाटर फॉर हाइड्रेशन, विटामिन C प्लस पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट फॉर ब्राइटनिंग, विटामिन E प्लस एवोकाडो एक्सट्रैक्ट फॉर नरिशिंग, विटामिन A प्लस टोमेटो एक्सट्रैक्ट फॉर प्लम्पिंग, विटामिन B6 प्लस बैम्बू चारकोल फॉर डिटॉक्सिंग। मैं अप्लाई कर रही हूँ विटामिन B6 प्लस बैम्बू चारकोल वाला फेस मास्क, और आप देख सकते हो ये वाला शीट मास्क बिल्कुल ब्लैक कलर में है गाइस, एंड ये हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट तो करता ही है और साथ ही में डिटॉक्सिफाई भी करता है। और इसके अंदर ना ढेर सारा सीरम होता है, तो उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना, एंड इसको लगा के बस 15 मिनट्स के लिए आप बस सेल्फीज ले लो, वेट कर लो थोड़ा सा, एंड उसके बाद इसको रिमूव करते ही आप खुद देख सकते हो मेरे स्किन में ग्लो। बस सोचो यार, जस्ट इतने से इतना ज्यादा ग्लो, और वो भी सिर्फ 75 रुपीज में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जरूर चेक कर लेना। So guys, सुबह सुबह मैं घर से निकल के तो बाहर आ चुकी हूँ, बट आपको तो पता है मुझे सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, तो मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कुछ खाना मिलता है हमें या नहीं। और मैं सारा जगह अभी चल के जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी पेट्रोल का भी पैसा नहीं है। A few moments later. So guys, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेरे नीलहट से मिली हूँ। हाँ हाँ, तो अच्छा मुझे बताओ, मैं ना आज दिन भर पूरा सारा दिन 0 रुपीज में बिताने वाली हूँ, ठीक है? तो मुझे कोई तुम वो सब बोल सकते हो कि कैसे मैं 0 रुपीज में बिताऊँ, मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अंकल एक्चुअली मेरे पास एक चैलेंज है कि मुझे आज का पूरा दिन 0 रुपीज में, मतलब कोई भी पैसा नहीं है मेरे पास, मुझे आज का पूरा दिन स्पेंड करना है, खाना पीना सब कुछ। तो आप मुझे मतलब कुछ आइडिया दे सकते हो कि मैं कैसे करूं? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। सो गाइस, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमें एक चाय का दुकान मिला है, तो चलो चलते हैं। अंकल चाय कितना करके है? 5 रुपए का। मेरे पास आज बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप मुझे फ्री में दे सकते हो एक चाय? फ्री में दे सकते हो? मजाक हो रही है? सच में? इतने स्वीट कैसे हो आप? इतने स्वीट कैसे हो? इतना स्वीट कोई कैसे हो सकता है? अंकल बिस्किट भी मिल सकता है क्या फ्री में? ये भी ठीक है। अंकल सब कुछ देगा फ्री में यार, पूरा दुकान ही नहीं देगा अगर मैं यहाँ पे अंकल से मांग लूँ तो। थैंक यू गाइस, अंकल का स्माइल तो आप देख ही सकते हो
पैसा बाद में मांगोगे नहीं ना यार? मुझे लगता नहीं है कि अंकल बाद में पैसा मांगेंगे, बट ठीक है यार, फ्री का बिस्किट खा के देखते हैं कैसा लगता है। फ्री के बिस्किट में यार मजा ही कुछ अलग होता है गाइस। और ये रहा मेरा फ्री का लीकर टी, इसमें मतलब मिल्क मिल्क नहीं है, बट फिर भी मुझे फ्री में इतना मिल गया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शाबाश बेटा। यार बहुत ही अच्छा चाय है। अंकल अगर कोई और भी आपके पास आके ऐसे फ्री में चाय मांगे आप दे दोगे? दे देगा। मस्त जोक मारा रे। अंकल दे देगा यार। मुझे किसी को फ्री में चाय चाहिए था, आ जाओ अंकल के पास। ये कितना करके है? 7 रुपया। एक्चुअली मेरे पास ना आज बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप मुझे फ्री में दे सकते हो कुछ भी? मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कुछ भी फ्री में दे दो, भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। नहीं है आपके पास? नहीं है? A few moments later. अंकल मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो? कुछ खिला सकते हो, पिला सकते हो, कुछ भी हो सकता है? कुछ होगा? एक हाँ, एक एक से मेरा हो जाएगा, कुछ भी आप दे दो। एक लस्सी है मेरे पास। क्या है? लस्सी चलेगा। गाइस मुझे फ्री में लस्सी मिल गया, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओह माय गॉड अंकल थैंक यू सो मच, आपने मुझे फ्री में लस्सी दिया। और एक चीज दोगे फ्री में? ये वाला। अरे अंकल ने तो ये भी मुझे फ्री में दे दिया। ओह माय गॉड अंकल आप इतने अच्छे क्यों हो? क्यों है आप इतने? पैसा नहीं है इसलिए आपने दे दिया? यार अंकल तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, कलकत्ता वाले सारे लोग स्वीट होते हैं, और अंकल की लस्सी भी बहुत ही ज्यादा स्वीट है। 2 hours later. अंकल वो जो घाट है ना सामने, वो खुला हुआ है? हाँ एक्चुअली आज ना मैं एक चैलेंज कर रही हूँ, जहाँ पे मैं दिन भर में एक भी रुपया खर्चा नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, आप मुझे फ्री में लेके जाओगे घाट तक? नहीं है मेरे पास सही में पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास है पर मैं खर्चा नहीं कर सकती आज। ठीक है सच में आप लेके जाओगे? सच में लेके जाओगे? अरे यार ये तो बहुत ही अच्छे निकले अंकल जी, चलो चलते हैं। मतलब मैंने पहली बार ट्राई किया और हो गया। माने धरुन रास्ता के ऊपर होले तार जदि पार्ट्स चोरी हो जाए ता ताके तो मानुष हेल्प करबे, सही जने एकने এরকম মানুষ আছে। यार अंकल जी तो बिल्कुल देव मानस निकले गाइस। तो अंकल मुझे बोल रहे हैं कि अगर रास्ते में हो सकता है ना किसका पर्स चोरी हो जाए तो तब तो उसको हेल्प करना चाहिए, तो अंकल ने वैसा ही सोचा था, है ना? तो चलो चलते हैं। सो गाइस यहाँ तक तो मैं आ चुकी हूँ, बट मुझे अभी ना गंगा के इस पार से उस पार जाना है, मतलब कि समझ रहे हो, बोट से जाना पड़ेगा, और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो मुझे तो 5-6 रुपया चाहिए होगा टिकट का, एग्जैक्टली पता नहीं है, तो एक मैं ट्रिक को काम में लगाऊंगी। मेरे पास है ये राखी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है गाइस, तो चलो राखी पहने बोले। अरे भैया चले गए, इस भैया को ये भैया तो बिजी निकले गाइस। हाँ तो अंकल मुझे खुद बोल रहे हैं कि हम ही को बांध दो, 5 रुपया अंकल दे देंगे। तो अंकल को राखी तो बांधना नहीं आता, सॉरी। मेरा मुंह तो निकल गया, मेरी जबान टूट गई यार। भैया 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 अंकल ने 5 रुपया नहीं दिया। एक सेकंड बात कर सकती हूँ? नहीं गाइस, भैया के पास ऑलरेडी बहुत सारा राखी है, आपके बहुत सारे बहन है, आपने सबको गिफ्ट दिया है, क्यों बताएं? मैं भी आपको राखी बांधना चाहूंगी, आप बस मुझे 5 रुपया दे दो, क्योंकि मुझे इस पार से उस पार जाना है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। दोगे ना आप 5 रुपया पक्का? बाप रे, भैया के पास पहले से बहुत सारे राखी है, आप 5 रुपया दोगे मुझे? एक्स्ट्रा दे सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मिठाई नहीं है मेरे पास, पैसे ही नहीं है, मिठाई कैसे खिलाऊं मैं? जी, एक कप चाहिए।
Thank you so much. 52 रुपीज मिल गया गाइस, 52 रुपीज। ओह माय गॉड यार, मैं तो करोड़पति, मतलब क्या बोलते, 50 पति बन गई। सो गाइस, मेरे पास अभी भी 30 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। बट जो बात है वो है कि मैं ये रुपया बिल्कुल भी खर्चा नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी इसको सेव करके रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा भैया का गिफ्ट है। तो चलो यार चलते हैं। कितना सुंदर जगह है यार, मजा आ गया भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी गाइस, बिल्कुल टाइटैनिक वाला फील आ रहा है मुझे, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ये समंदर नहीं है, नदी है, और मैं मास्क लगा के टाइटैनिक वाली पोजेस दे रही हूँ, पर मजा बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो फाइनली मैं लॉन्च पे, मतलब की बोट पे उठ चुकी हूँ, और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत ही जोर की। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बहुत ही शातिर दिमाग की लड़की हूँ, एंड मैंने चुन चुन के ऐसा दिन सिलेक्ट किया है ना कि आज यहाँ पे शोमी दी, जो मेरी मेकअप करवाती है, उनकी छोटी सी बेटी का राइस सेरेमनी है, ठीक है, क्रियांशी का। तो चलो चलते हैं, एंड यहाँ पे हमें फ्री का फूड तो मिल ही जाएगा, आई होप। चलो भी है। हाय राम गाइस, क्या करूं मैं बहुत ही ज्यादा लालच की शिकार हो गई हूं। मतलब मैंने इतना खाना खाया है कि मेरा पेट बोल रहा है कि तुम और ना खाओ, पर मेरा दिमाग और मेरा दिल बोल रहा है, लेकिन यार यहां मैं पिघल गया। मैंने बहुत खाना खा लिया है यार, अभी मुझे ना बहुत मन कर रहा है थोड़ा सा शॉपिंग करने का। कर ले शॉपिंग। इसका प्राइस कितना है? 999। बट अंकल मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है आज, आप मुझे फ्री में कुछ दे सकते हो? दे सकते हो फ्री में कुछ? फ्री में कुछ दे सकते हो अंकल? क्या बोलेगा आपको, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, तुमको फ्री में नहीं देगा, तुम हार चुके हो चैलेंज। नहीं दे सकता अंकल। हार गए। शाम हो चुकी है और भूखर लड़की को फिर से भूख लग चुकी है, तो अभी मैं जाने वाली हूँ वाओ मोमो पे, देखते हैं वहाँ पे मुझे फ्री में कुछ खाना मोमो मिलता है या नहीं। मोमो खाने का बड़ा मन हो रहा है, चलो चलो चलो।
मिला। अंकल क्या क्या है? ये चिकन ड्रमस्टिक है, फिश फ्राई है, चिकन बॉल है, फिश फिंगर है, हाँ। ये फ्राई है, मोमो है। अच्छा इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 60 रुपीज। फ्री में क्या मिल सकता है? फ्री में मिल सकता है अगर आप 6 पीस लेंगे तो 1 रुपीज। एक पीस लेंगे तो एक फ्री, 6 पीस में एक फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री में क्या मिल सकता है? बिल्कुल फ्री में क्या मिलेगा? बिल्कुल फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा तो नहीं होता। नहीं होगा, नहीं होगा अंकल, नहीं होता। गाइस मेरा बहुत मन था खाने का। अच्छा एक काम, एक सेकंड, एक काम करो, इनको बोलो। तुम्हारा मर्जी, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा एक्चुअली ना मैं आज एक चैलेंज कर रही हूँ जहाँ पे मुझे 0 रुपीज में पूरा दिन, हिंदी में समझ में आ रहा है? हाँ, तो पूरा दिन ही मुझे 0 रुपीज में गुजारना है। मतलब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो मैं वहाँ पे गई यार, मुझे भगा दिया, मुझे बिल्कुल कुछ खाने। अब चलिए मैं खाना खिला दूंगा। सच में? एकदम एकदम, ये खिला दो मुझे। अंकल जी हेलो, ये खिला दो। ये वाला दे दीजिए, ये वाला। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं चाहिए भैया, पूछ रहे हो और कुछ? यही दे दीजिए आप, यही दे दीजिए। हाय पैसा दोगे ना आप पक्का? एकदम पक्का। ये फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं, ये पैसा दे देगा। कितना कितना है इसका दाम? 60 रुपीज ना, पे कर दो। फाइनली मुझे मेरा डिनर मिल गया गाइस, वो भी थैंक यू भैया। मैं खाऊं? कोई दिक्कत नहीं आपको? खाना है? नहीं नहीं नहीं, खाना है तो खा सकते। नहीं नहीं, वैसे मैं देती भी नहीं। चिकन लेग पीस। और हाँ मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट भी है जो कि मैंने पहले अंकल को बिल्कुल भी नहीं बताया था। थैंक यू अंकल, एंड अंकल ने हमें हेल्प किया है इसलिए आपके लिए ये वाला गिफ्ट। थैंक यू, वेलकम, बाय बाय अंकल, बाय। थैंक यू अंकल, इसके अंदर आपके लिए गिफ्ट है। गाइस आज पूरा दिन मैंने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है कि पूछो ही मत। एंड आपको ये सीक्रेट बताओ, किसी को बताना मत। तो गाइस इसके अंदर मैंने कुछ पैसे ऐड करके सबको गिफ्ट किया है जिन्होंने भी मुझे हेल्प किया है, क्योंकि यार मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का कुछ भी नुकसान हो, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा मेहनत लगता है हर चीज में। तो यार आप मुझे बताना कि मैंने ये चैलेंज जीता है या हारा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हार के जीतने वाले को नीलांजना कहते हैं। तो यार गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर एक लाइक करना। तुम क्या जानोगे एक एक लाइक की कीमत क्या होती है दी फ्रेंड्स बाबू। और अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया यार, क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। लव यू गाइस।